morning, students. I hope you all are fine and doing your studies very well. Today we will continue our chapter colonization of India. पहले हम growth of British influence में Mysore Kingdom के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हैदर अली और टीपू सुल्तान से, जो कि मैसूर के रूलर्स थे, तीन लड़ाइयां लड़कर उनकी डायनेस्टी को अपने कंट्रोल में ले लिया। उसी सीरीज़ में आगे पढ़ते हुए आज हम मराठास के बारे में जानेंगे। मराठा किंगडम इंडिया का बहुत ही पावरफुल किंगडम्स में से एक था, लेकिन जब थर्ड बैटल हुई पानीपत की, जो कि अफगान्स और मराठा चीफ्टन्स के बीच में हुई थी, उसके बाद मराठास की जो पावर थी ना, वो बहुत सारी डायनेस्टीज़ में डिवाइडेड हो गई थी, जैसे कि गायकवाड़स थे, होलकर्स थे, और भी बहुत छोटी छोटी डायनेस्टीज़ में पावर डिवाइड हो गई। तो अब जब छोटी छोटी डायनेस्टीज़ हो गई, तो वो लोग आपस में ही पावर स्ट्रगल करते रहते थे और एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर कर एक दूसरे के किंगडम को हथियाने की कोशिश करते थे। तो जब ये मराठा चीफ्टन्स जो थे वो आपसी लड़ाई में बिजी थे और पावर स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो क्या हुआ कि उनकी जो डिसयूनिटी थी ना, उसका फ़ायदा उठाने का ब्रिटिशर्स ने सोच लिया। इसी का रिज़ल्ट हुआ कि मराठास के साथ ब्रिटिशर्स ने तीन लड़ाइयाँ लड़ी, और उन तीन लड़ाइयों में, वो कब से कब तक लड़ी उन्होंने, 1775 से लेकर 1819 तक। तो सबसे पहली लड़ाई जो थी, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1775 से 1782 के बीच में हुई, वो हुई पेशवा थ्रोन के लिए। मतलब उसमें ब्रिटिशर्स सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि मराठा चीफ्टन्स एक दूसरे की डायनेस्टी को अपने अंडर में लाने के लिए लड़ते रहते थे। तो जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था, वो क्या हो रहा था कि पेशवाज जो मराठास थे, वो आपस में लड़ रहे थे पेशवा बनने के लिए। पेशवा का मतलब होता है प्रिंसिपल मास्टर। अब वो लड़ाई किन के बीच में लड़ी गई? वो लड़ी गई माधव राव सेकेंड, जिनको कि मराठा चीफ्स जो थे वो क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, और लड़ी गई रघुनाथ राव के बीच में, जिनको कौन सपोर्ट कर रहा था, ब्रिटिशर्स सपोर्ट कर रहे थे। तो सीधे सीधे ये ब्रिटिशर्स से लड़ाई नहीं थी, ये दो मराठास के बीच में लड़ाई थी, जिसमें ब्रिटिशर्स एक मराठा डायनेस्टी को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। अब उसमें क्या हुआ कि माधव राव जो थे वो उस बैटल में जीत गए। अब जब वो जीत गए, तो वहाँ पर लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने दो जगह को अपने अंडर में ले लिया, जो कि क्या थी, अहमदाबाद और ग्वालियर। अब उसके बाद, इस वॉर के बाद ना, एक ट्रीटी ऑफ सालवाय साइन हुआ। तो उस ट्रीटी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उस ट्रीटी के क्या टर्म्स थे, वो टर्म्स थे कि मराठा वुड हेल्प ब्रिटिशर्स टू डिफीट हैदर अली ऑफ मैसूर, जिसको हमने पिछली बार पढ़ा है ना कि हैदर अली मैसूर के राजा थे, टीपू सुल्तान उनका बेटा था। तो ब्रिटिशर्स ने मराठास के साथ एक जो ट्रीटी साइन करा, उसमें उन्होंने उन्हें मनाया कि वो जब हैदर अली से लड़ाई करेंगे, मैसूर के राजा से, तो मराठा उनकी हेल्प करेंगे। और दूसरी बात कि कभी भी मराठास फ्रेंच लोगों को, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, जो यहाँ पे ट्रेड करती थी, फ्रेंच लोगों को अपनी टेरिटरीज़ में अलाउ नहीं करेंगे कोई भी व्यापार करने के लिए। और थर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या था कि माधव राव को उन्होंने क्या करा, मराठा एम्पायर का पेशवा, मतलब कि प्रिंसिपल मिनिस्टर मान लिया। अब क्या हुआ कि रघुनाथ का क्या हुआ, जो लड़ाई लड़ रहा था और ब्रिटिशर्स के पास तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो रघुनाथ को पेंशन देगी ब्रिटिशर सरकार, ये भी इस ट्रीटी का एक टर्म था। अब आगे क्या हुआ, उसके बाद थोड़ा पीस रहा ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में, और फिर आई सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि लड़ी गई 1803 से 1805 के बीच में। क्यों लड़ी गई? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे ना, वो सब्साइडरी अलायंस कुछ मराठा रूलर्स के ऊपर क्या करना चाहते थे, इम्पोज करना चाहते थे। सब्साइडरी अलायंस के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्या हुआ कि जो वो मराठा रूलर्स थे, वो सब्साइडरी अलायंस को मानना नहीं चाहते थे। तो ये लड़ाई किन के बीच में हुई,
सिंधासीज और भोसलेस के बीच में, और सिंधासीज और भोसले एक तरफ थे और दूसरी तरफ कौन लड़ रहा था, ब्रिटिश आर्मी अंडर लॉर्ड वाइसले। जो सब्साइडरी अलायंस था ना वो लॉर्ड वाइसले ने इम्पोज किया था। तो अब ये दोनों आपस में लड़ने लग गए। ये वाली जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर थी इसमें ब्रिटिशर्स जीत गए और उन्होंने अहमदनगर और बरोच पर सब्साइडरी अलायंस लगा दिया। अब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो कि लड़ी गई 1817 से 1819 के बीच में, वो किन के बीच में लड़ी गई? अब ये यहाँ पर देखिए फिर से, पेशवा बाजीराव सेकेंड एंड अली मराठा एंड ऑल मराठा चीफ्स के बीच में लड़ी गई। ये एक तरफ थे और दूसरी तरफ क्या थी, पूरी ब्रिटिश आर्मी। अब यहाँ पर जो थर्ड मराठा वॉर थी ना उसमें मराठास आपस में बिल्कुल नहीं लड़ रहे थे, वो सारे एक साथ हो गए अपने प्रिंसिपल मास्टर के साथ जो कि पेशवा बाजीराव सेकंड थे, और वो सब मिलकर किसके खिलाफ़ लड़ रहे थे, ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़ रहे थे। क्योंकि ब्रिटिशर्स उनकी सारी की सारी डायनेस्टीज़ को कैप्चर कर कर अपने अंडर में लेना चाहते थे, तो ब्रिटिशर्स को एक थ्रेट की तरह देख रहे थे मराठास। तो अब ये वाली जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर थी वो इन दोनों के बीच में हुई। लेकिन ये जो लास्ट वॉर थी इसमें ब्रिटिशर्स जीत गए और पेशवा बाजीराव सेकंड जो कि प्रिंसिपल मिनिस्टर थे वहाँ के और मानते थे उन्हें सभी लोग राजा की तरह, उनको क्या करा, उन्होंने उनको उनकी गद्दी से हटा दिया, उनके थ्रोन से डिस्पोज ऑफ कर दिया और उन्होंने पेंशन लगा कर कि हम आपको, अब आप राजा तो रहे नहीं, तो वो क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स उनको पेंशन देंगे और उनको बितूर भेज दिया जो कि कानपुर के आसपास है कि आप वहाँ पर रहिए। अब आप क्या हुआ कि पूरा मराठा किंगडम ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई कि मराठाज वर नॉट अलाउड टू मेंटेन एन आर्मी, कि मराठा लोगों को अलाउ ही नहीं रहा कि वो कोई आर्मी रखें। तो इसके साथ ही मराठास डायनेस्टी जो थी वो टोटली ख़त्म हो गई और ब्रिटिशर्स ने पूरे का पूरा एरिया अपने अंडर में ले लिया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना।